हेलो गाइस, स्वागत है आपका एसएम ट्यूशन पे। सो गाइस, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे सेक्शन बी और सी के लिए, साइंस कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो फाइनली ये वीडियो सेक्शन बी और सी का एक्सप्लेनेशन पार्ट है, जिसमें मैं सेट टू का जो सेक्शन बी और सी रह गया था उसको कंप्लीट करूँगा। देखो यार, सेट वन और थ्री का भी सेक्शन बी और सी बन चुका है, बट अपलोड करने में, एडिट करने में, सॉल्व करने में ये सब में टाइम जाता है, जिसके कारण थोड़ा सा डिले हो रहा था। ये वीडियो कल ही आना था, बट किसी वजह से ये वीडियो आज बन रहा है और आज रिकॉर्ड हो रहा है और आज अपलोड होगा। और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मैं देख रहा हूँ कि व्यूज़ तो अच्छे खासे चले जा रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर अकाउंट मेरा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ तो इन रिटर्न मैं भी चाहूँगा कि आप भी मुझे सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे एक इंकरेजमेंट मिलती है और बैक टू बैक वीडियोस लाने का एक हौसला आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और थोड़ा सा भी अगर आपको वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन पार्ट जो हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर सेट के लिए, सेट टू के लिए। तो मैंने सेट टू का ए और बी, ए सेक्शन बताया था, बी यानी 15 क्वेश्चन से बताना था। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को अगर हम हीट करते हैं एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, तो क्या कलर होगा उसका, पहले क्या कलर होगा और बाद में क्या कलर होगा। तो इसका राइट आंसर है कि जो पहले कलर होगा फेरस सल्फेट क्रिस्टल का, वो आपका लाइट ग्रीन होगा और गर्म करने के बाद वो डार्क ब्राउन होगा। उसी में सेकंड क्वेश्चन था कि कौन सा गैस इवॉल्व होगा अगर हम हीट करेंगे तो अगर हम इसको हीट करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस हमको मिलेगा। उसके बाद ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, तो ये जो टाइप का रिएक्शन है, फोर्थ में हमें रिएक्शन ही लिखना है, तो आप रिएक्शन देख सकते हैं, FeSO4 है, हीट किया गया है और वो 3 प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है। तो यानी वो जो रिएक्टेंट था वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूटा, यानी यहाँ डिकम्पोजिशन हुआ, और डिकम्पोजिशन में भी कौन सा टाइप, थर्मल डिकम्पोजिशन। अगला वाला जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको केमिकल इक्वेशन लिखना था इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये उसका सॉल्यूशन पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में था कि प्लांट्स जो है वो एक गार्डनर है, वो पत्ता झड़ रहा है उससे, ट्री से, तो वो क्या करता है, वाटर करता है उस प्लांट को, जिसके कारण वो वापस से वो फ्रेश हो जाता है। तो आपको बताना है कि प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का, वो कैसे होता है और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। 16 में ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है कि जाइलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए प्लांट्स में। और ये कैसे होता है, तो सबसे पहले रूट हेयर्स होते हैं जो उस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो उसको ऊपर भेजते हैं जाइलम को, रूट जाइलम जो होता है कनेक्टेड होता है स्टेम जाइलम से, और इस तरीके से कंडक्शन होता है जाइलम के थ्रू। और ये जो अपवर्ड मूवमेंट होता है जिसको हम ट्रांसपिरेशनल पुल भी कहते हैं, वो सन लगाता है प्लांट्स पे, ट्रांसपिरेशन करता है, जिसके कारण एक सक्सेशन पुल जनरेट होता है और जिसके कारण कंडक्शन हो पाता है प्लांट्स में। नाउ 17 नंबर क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कैसे कैरिड आउट होता है, और साथ ही साथ ये जो एब्जॉर्प्शन है वो क्यों जरूरी है। तो इसका आंसर है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन देयर आर मिलियन ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाइज। विलाइज प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं। वो फिंगर लाइक इसलिए होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सर्फेस मिल सके एब्जॉर्प्शन के लिए, और विलाइज से कनेक्टेड होते हैं बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज जो कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस डाइजेस्टेड फूड को। डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होगा, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए एब्जॉर्ब फूड, और जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करता है जिसको हम रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, और तब जाके एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो इसका ये आंसर आपके स्क्रीन पे है। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इस पे आपको एक वेल लेवल डायग्राम बताना था कि जो मेटल्स होते हैं वो किस तरीके से कंडक्टिविटी करवाते हैं। तो ये रहा आपका डायग्राम, एक मेटल है जो कनेक्टेड है सर्किट में, तो बल्ब ग्लो कर रहा है, और एक मेटल की जगह एक थर्मोप्लास्टिक है जो कनेक्ट किया गया है सर्किट से, तो वो कंडक्ट नहीं करवा रहा। अगला क्वेश्चन है 18 का और, जिसमें आपको एक वेल लेवल डायग्राम बनाना है,
और एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाना है कि जिसके थ्रू क्या असर पड़ता है स्टीम का मेटल, ठीक है ना, और कौन सा गैस इवॉल्व होगा। तो ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसको पॉज करके देख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है एसिड के साथ। आपको लेना है मैग्नीशियम एज अ मेटल और बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है दोनों ही केस में, और साथ ही साथ इससे जो गैस निकलेगा वो कौन सा टेस्ट के जरिए उसको डिटेक्ट किया जाए। तो देखो, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है एसिड से तो वो मेटल सॉल्ट देता है, CO2 देता है और H2O देता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हो। और ये जो CO2 रिलीज होता है उसको टेस्ट करने का लाइम वाटर टेस्ट होता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग गैस को पास करवाते हैं, CO2 को पास करवाते हैं लाइम वाटर से जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और जब वो उससे पास करता है तो उस लाइम वाटर को वो मिल्की बना देता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि इसका एक मेन टेस्ट है जिससे पता चलता है कि CO2 जो है वो रिलीज हो रहा है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 20 में देके रखा है कि इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक जिगजैग लाइन आपने देखा होगा जो क्या करता है मेटल को नॉन मेटल से सेपरेट करता है। आपको बताना है कोई भी दो बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स जो इस लाइन जो होता है उसके अगल बगल होते हैं, साथ ही साथ बताना है कि एटमिक साइज एलिमेंट का क्या होगा अगर हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, और क्यों। तो बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स जो हैं वो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम होते हैं। इसमें से कोई भी आपको दो नाम लिखना था, मैंने सब लिख दिया है। उसके बाद राइट हैंड साइड से एलिमेंट को जब हम मूव करते हैं सेम पीरियड में तो साइज जो होगा वो छोटा होता है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं पीरियड में तो एक एक करके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ता चला जाता है, और जिसके कारण एक स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स उस पर लगता है और उसका रेडियस छोटा हो जाता है, तो साइज जो होगा वो छोटा हो जाए। नाउ मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कौन कौन से होते हैं, कोई भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपको लिखना है, और वायरस के लिए भी बैक्टीरिया के लिए भी, और बेनिफिट बताना है मैकेनिकल बैरियर्स का। तो इसका आंसर है कि डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसा डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाए ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स तो उसको हम लोग STD या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बोलते हैं। साइफिलिस जो है वो बैक्टीरिया से होता है और HIV/AIDS वायरस से होता है। एडवांटेज क्या है मैकेनिकल बैरियर यूज करने का, तो ये प्रेगनेंसी को अवॉइड करता है, फैमिली प्लानिंग में हेल्प करता है, साथ ही साथ STDs को भी अवॉइड करता है, प्रोटेक्ट करता है हमको। नाउ इसी का एक और पार्ट था जिसमें हमको बताना था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दो ऑर्गेनिज्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है और पेरेंट का जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाता है, और उसका हर स्टेप को लेवल वाइज दिखाना था। तो ये आपको पता ही होगा, ये अमीबा होता है जिसपे आप देख सकते हो सबसे पहले एक पेरेंट सेल होता है, उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म एलोंगेट होता है, डिवाइड होता है और टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। इसमें पेरेंट ही दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए जो पेरेंट है उसका आइडेंटिटी जो है वो लॉस्ट हो जाता है। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है और कोई भी चार कैरेक्टरिस्टिक बताना है प्लेन मिरर का। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सब एक ही सेम प्लेन पे होते हैं। और चार आपको बताना था कैरेक्टरिस्टिक प्लेन मिरर का, इमेजेस का। तो ये इमेज जो होते हैं वो वर्चुअल इरेक्ट होते हैं, इमेजेस जो होते हैं वो सेम साइज के होते हैं जितना साइज का ऑब्जेक्ट होता है, इमेजेस जो होते हैं वो प्लेन मिरर से उतना ही दूर दिखते हैं जितना वो एग्जैक्टली होते हैं ऑब्जेक्ट की तरह, और साथ ही साथ प्लेन मिरर क्या करता है लैटरल इन्वर्जन करता है, यानी राइट के चीज को लेफ्ट साइड में दिखाता है और लेफ्ट के साइड को राइट को दिखाता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे प्लेन मिरर। नाउ मूव ऑन करते हैं 23 में। आप देख रहे होंगे आयरन फिलिंग्स है डिस्ट्रीब्यूटेड और एक ये पैटर्न बना रहे हैं। आपको बताना था कि आयरन फिलिंग्स क्यों ऐसा पैटर्न बनाते हैं, ये पैटर्न क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं और क्यों ये कर्व बना रहे हैं पोल्स के अराउंड। तो ये क्यों होता है, तो दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट ईच पीस ऑफ आयरन फिलिंग, हर पीस जो आयरन फिलिंग है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है मैग्नेटिक फोर्स के कारण, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरह
अलाइन हो जाते हैं, इसीलिए वो उस तरीके का पैटर्न बनाता है। ये पैटर्न क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है? तो ये पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को डिस्प्ले कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिस्प्ले कर रहा है। और सी नंबर, ये कर्व क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं? तो दे आर शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न्स एज द लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पोल एंड एंड एट पोल। होता क्या है, ये कर्व इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से वो मुड़ रहे हैं वो पोल्स की तरफ इन कर रहे हैं और आउट भी पोल्स के साइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है। नाउ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, तो 24 पे चलते हैं। इस पे आपको बताना था मिरर, जिसको यूज किया जाता है शेविंग में, शेविंग करने के ड्यूरिंग में, या डेंटिस्ट का जो मिरर होता है, और रियर व्यू के लिए। तो आपको पता ही होगा इसका आंसर, जो हम लोग यूज करते हैं शेविंग मिरर वो कंकेव मिरर है क्योंकि वो मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज दिखाता है। डेंटिस्ट भी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो कंकेव जो होता है वो मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज बनाता है। और थर्ड रियर व्यू के लिए सबको पता है कन्वेक्स यूज करते हैं क्योंकि ये स्मॉल इमेज बनाता है और जिसके कारण पीछे का ज्यादातर हिस्सा हम देख पाते हैं। चलिए अब एक रे डायग्राम देके रखा है, आपको बताना है कि ये जो है वो किस टाइप का लेंस है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। तो आपको पिक्चर में ही दिख रहा है ये जो रेज है उनको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, यानी ये कन्वर्जिंग लेंस है। इसका कैरेक्टरिस्टिक बताना था, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आप देख सकते हो ये रियल है, इन्वर्टेड है, और जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो इमेज के साइज से छोटा है, यानी इमेज जो बनेगा वो मैग्नीफाइड बनेगा, इनलार्ज बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है सी नंबर, जिसमें आपको बताना था कि मैग्निफिकेशन -1 कब होता है। तो मैग्निफिकेशन 1 कब होता है, जब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल हो। और ये कब होता है, जब आप 2f1 पे रखोगे और इमेज बनेगा 2f2 पे, और माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो इमेज फॉर्म होगा वो इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन यहाँ पे 2f1 पे होना चाहिए, उस केस में मैग्निफिकेशन -1। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है नेम बताना है, स्ट्रक्चर बताना है अल्कोहल और एल्डिहाइड ग्रुप का, जिसमें चार कार्बन। तो आप देख सकते हो मैंने स्ट्रक्चर बताया बनाया है दोनों ही केस में, एक अल्कोहल का ग्रुप है ऊपर वाला और नीचे वाला एल्डिहाइड का ग्रुप है, एक C4H9OH है, एक C3H7CHO है। ठीक है, उसके बाद उसी में एक क्वेश्चन था सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में डिफरेंस करना था। तो सैचुरेटेड जो होता है वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है कार्बन कार्बन के बीच में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलने के वक्त ब्लू फ्लेम देता है, और अनसैचुरेटेड जो होता है वो सूटी येलो फ्लेम देता है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। इसी का एक और पार्ट था, रीजन बताना था कि जो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं कार्बन के वो मेनली कोवेलेंट क्यों होते हैं। तो मेनली कोवेलेंट इसलिए होते हैं क्योंकि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है। उसके बाद क्वेश्चन था कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है। तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं जिसके कारण वो आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है, जिसके कारण वो आसानी से मेल्ट या बॉइल हो जाते हैं। आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना था, क्या होगा जब सोडियम रिएक्ट करेगा इथेनॉल से और इथेनॉल जब बर्न करेगा ऑक्सीजन से। तो ये दो रिएक्शन है जिसमें 2Na रिएक्ट कर रहा है इथेनॉल से, तो सोडियम इथोक्साइड और H2 दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, यानी कंबशन रिएक्शन हो रहा है, तो CO2, H2O, हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये आपका फिनिश हो गया। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 26 के, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है जिसको मैग्नेटिक फील्ड पर रखेंगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एक सेटअप बना के देना था, तो हम देखते हैं उसका सेटअप क्या है। ये रहा सेटअप, आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हो, बहुत लंबा है तो मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करने जाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन था 27, जिसमें आपको बताना था कि दो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस बताने थे सीरीज सर्किट के। तो दो डिसएडवांटेज सीरीज सर्किट के होते हैं कि सबसे पहला तो ये जो होता है, अगर एक भी एप्लायंस खराब हो जाएगा, अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है तो बाकी सारे एप्लायंसेस में करंट पहुंचेगा ही, तो बाकी भी वर्क करना बंद कर देंगे। सेकेंड है, आपको बताना था कैलकुलेट करना, अच्छा दो डिसएडवांटेज है। तो दूसरा वाला ये है कि इसमें क्या हो सकता है, ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है वो वन स्विच, एक ही स्विच है और कोई भी सेपरेटली टर्न ऑन या ऑफ नहीं हो पाएंगे। ऐसे तो इसका बहुत है, बट दो ही बताना था। अगला एक सर्किट है जिसका आपको इक्वेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो उस सर्किट को आपको कन्वर्ट करना होगा जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उस तरीके से। फिर R1 और R2 को प्लस करके 4 और 6 10 ओम लाया गया है, और नीचे वाला R4 और R5 को प्लस करके 6 लाया गया है। और अब ये तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल
फॉर्मूला लगा के निकाल दिया गया है, जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 3 ओम। ना अगला था उसी में 27 का और में कि आपको डिराइव करना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो पैरेलल में ये देख लो, आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हो। और इसमें एक और क्वेश्चन था कि मिनिमम रेजिस्टेंस भी आपको बताना था जब चारों रेजिस्टर्स जो होंगे वो 20 ओम के ही होंगे। तो चलिए अब देखिए इसका सॉल्यूशन पार्ट। ये रहा सॉल्यूशन पार्ट, इसको पॉज कर लो, देख सकते हो आप। मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो R1 जो है वो 20 लिया गया है, R2 को भी 20 लिया गया है, R3 को भी 20 लिया गया है, R4 को भी 20 लिया गया है, और सबको पैरेलली सॉल्व किया गया है, और इस तरीके से 1/5 यानी 5। तो मिनिमम रेजिस्टेंस जो होगा अगर चारों रेजिस्टर्स जो होंगे वो 20 ओम के होंगे तो वो 5 ओम होंगे। ना मूव ऑन करते हैं 28 नंबर। आपको बताना है कोई भी दो इफेक्ट डिफेक्ट ऑफ विजन और उसके क्या काउज है। तो इसका आंसर है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया का भी काउज मैंने लिख रखा है, हाइपरमेट्रोपिया का भी काउज मैंने लिख रखा है। उसी क्वेश्चन था एक कि एक पर्सन है जिसको -2 मीटर फोकल लेंथ का स्पेक्स वो यूज कर रहा है, तो आपको बताना था नेचर और पावर ऑफ लेंस। तो नेचर इसका कनकेव लेंस होगा और पावर का कैलकुलेशन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। नाउ मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। What constitute the central and peripheral nervous system? Central और peripheral nervous system में क्या क्या होता है और how are the components of central nervous system protected? और कैसे वो protected रहते हैं और कौन सा type का signal खराब हो जाएगा अगर spinal cord injury आता है तो जो central nervous system है वो brain और spinal cord से consist होता है। Peripheral nervous system में cranial nerves और visceral nerves, आप सिर्फ other nerves भी लिखते तो भी चलता। ब्रेन जो होता है वो प्रोटेक्टेड होता है एक स्कल से, जो बोनी बॉक्स होता है जिसको हम क्रेनियम भी बोलते हैं, और उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, जो कि हमें मैकेनिकल शॉक से बचाता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो वर्टिब्रेट से, वर्टिब्रेट कॉलम जो हमारा रीढ़ का हड्डी है वो प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। और अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगा तो वो सारे सिग्नल्स, वो सारे नर्व्स इफेक्टेड होंगे जो रिसेप्टर से कनेक्टेड होते हैं। नाउ लास्ट वन 30 नंबर क्वेश्चन। हम प्लेनेरिया को देखते हैं, इंसेक्ट को, ऑक्टोपस को, वर्टिब्रेट्स को देखते हैं, क्या आईज, कैन आईज बी ग्रुप टुगेदर इन केस ऑफ द एबव मेंशन्ड ऑर्गेनिज्म। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था कि क्या ये जो आईज के बेसिस पे इन ऑर्गेनिज्म को हम ग्रुप कर सकते हैं। तो इसका आंसर था कि आईज जो है प्लेनेरिया और ऑक्टोपस ये जो है वो स्ट्रक्चर वाइज बहुत डिफरेंट है, और दीज ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड फॉर स्टडिंग इवोल्यूशन ऑफ आईज एज द Eyes of planaria are simple without lens. जो planaria का eye है वो without lens है. Insect का eyes जो है वो compound eyes है, और वहीं vertebrates का eyes जो है वो highly specialized है. तो आप देख सकते हो कोई भी relation नहीं है तीनों के eyes पे, तो बिल्कुल भी हम इसे group नहीं कर सकते। इसके बाद second question उसी में था, क्या eyes एक basis हो सकता है किसी भी चीज को classify करने का? तो the structure of eyes in each of these organisms, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि तीनों का different है, और जो हमें suggest करते हैं कि ये possible नहीं है। जो बाकी के सारे ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग किंगडम और फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो जिसके कारण ये पॉसिबल नहीं है। नाउ इसे में एक क्वेश्चन कनेक्टेड था कि क्या एविडेंस है कि बर्ड्स जो है वो इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल से। तो आर्कियोप्ट्रेक्स करके एक फॉसिल मिला था जो जिसमें विंग्स भी था और वो जो एक रेप्टाइल भी था, तो वहां से हमें लिंक मिलता है, और बाकी का आंसर मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं यहां से। अब इसी के और पे एक क्वेश्चन था, फॉसिल्स क्या होता है, कैसे ये बनते हैं, और इनका एज डिटरमाइन करने का क्या भी है। तो फॉसिल्स जो होते हैं, इसका आंसर मैंने नहीं डायरेक्टली वर्बली बता दे रहा हूँ कि फॉसिल्स जो होते हैं वो डेड रिमेन्स होते हैं, जो कि बहुत सालों तक जब जमीन के अंदर दफन रहते हैं तो वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो एज है उनका डिटरमाइन किया जाता है कार्बन डेटिंग मेथड से और लेयरिंग मेथड से। तो ये आप लिख सकते थे। होप ये पूरा सॉल्यूशन जो है वो आपको अच्छा लगा हो। यार बहुत मेहनत करना पड़ता है क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ढूंढने में, उसके बाद फिर उसको अपलोड करने में, एडिट करने में, तो होप आप मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियोस में जिसमें मैं बाकी के सेट्स का सेक्शन बी और सी को एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।